नहीं वेखो जी किन्ना अमीर है। वो बंदे गुरुद्वारे तो जाते नहीं, उन्होंने को सुख ही बड़े ने। पातशाह कहते हैं बाहरी तौर पर वह बंदे बधे फुले नज़र आएंगे पर अंदरों सड़ के सुआह हो जाएंगे, अंदर उन्होंने कोल सुख नहीं। एक गुरु का शब्द गुरु का ज्ञान ही अंदरों सुख दिंदा। उत्थे पातशाह ने बचन कहे नानक गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत छुट्टे तिल वाड़ ज्यों सुंजे अंदर खेत। जिवें वह कली फली बाहरों तो तिल वधिया सी, विच्चों वह साध संगत बाहरों फली सोहनी नज़र आई, विच्चों सड़ के सुआह कालक निकली। उहदे विच जदों किसान ने वेख्या ये कम का नहीं, वह तिलों की फली उत्थे ही छड़ दित्ती। वह खेत में बुहाड़ कली सुख सड़ गई। कुछ वक्त तो बाद फिर उन्हों खेत में ही बाह के रोल दिता गया। उहदा किसी मंडी में मुल ना पिया, किसी ने उन्हों सांभ के कोठी ढोल में नहीं रखा, किसी ने उस दाने की इज्जत नहीं की। क्यों भाई? वह फलियां बाहरों सोहनियां सी, विच्चों सड़ियां हुई सी। इदां जे बाहरी तौर पर धन दौलत पदार्थ आपां नूं भुलेखा होवे कि फलाना बंदा किहड़ा गुरुद्वारे जांदा, उहदे कोल बड़ा कुछ है, पर साध संगत तो बाहरों ही तुहानूं सोहणे लगणगे, अंदरों बंदे सड़े हुए दुखां नाल भरे होणगे। जिहनूं पातशाह ने कहा दुख कीआं पंडां खुल्लियां सुख ना निकलिओ कोई, तुहानूं बाहरों सोहणे लंगरगे अंदरों उह सड़े हुए होणगे। उहनूं पातशाह ने बचन कहे नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत। इत्थे सुचेत का अर्थ साध संगत नैगटिव पक्ष तों लिया, बाणी के अंदर पॉजिटिव पक्ष तो भी सुचेत आउंदा है कि चेतन सुचेत होना चाहिए। इत्थे सुचेत का अर्थ है चलाकी करनी। जिन्हां नूं रब गुरु चेते नहीं पर वह बाहरों बहुत चलाक ने, बहुत चलाकियां लोगों नाल गल्लां विच लोगों नूं ठग लैंदे ने, बाहरों वह संसारी तौर पर चुस्तियां चलाकियां करते हैं। पातशाह कहते अंत उन्हां दा हाल ऐ हुंदा है जिवें किसान कोई दाने तो बगैर बूटा खेत में बुहाड़ कल्ला ही छड़दा है, वह फिर उत्थे सड़ जांदा है, सुक जांदा है। हजूर कहिंदे नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत छुट्टे तिल बुहाड़ ज्यों सुंजे अंदर खेत, खेते अंदर छुट्टिया कौ नानक सो नाहे, फलीए फुलीए बपड़े भी तन विच सुहाग। फलीए फुलीए का अर्थ है बाहरों उन्होंने तरक्की की, तुहानूं लोग बाहरों तरक्की वाले नज़र आउणगे पर अंदर साध संगत कुछ भी नहीं निकलेगा। सतगुरु सच्चे पातशाह जी समझाउंदे गुरु तो बगैर भाई तैनूं सुख नहीं मिल सकता। इसलिए धन बाबा अमरदास जी जिंदगी दे साध संगत 60 वरे उम्र गुजर गई, पिता जी दे शरीर छड्डण तों बाद बाबा तेज भान जी तों बाद धन बाबा अमरदास परिवार विच भरावां विच वड्डे सन, ते साध संगत वह हर साल उन्होंने कुंभ दे मेले ते त्रिवेणी संगम इलाहाबाद जाना, 40-40 दिन रह के साधुओं की सेवा करनी, दान पुन करना, परिवार वालों दान पुन करना। जो पिता पुरखी धर्म का कर्म सी वो कर्म बाबा अमरदास साहब करते रहे पर साध संगत जीवन में एक गुरु धारण नहीं किया। एक वक्त जिंदगी विच ऐसा आया जदों किसी जपण वाले ने इन्ना कमेणा मारिया अमरदास तू गुरु किहड़ा धारण किया है, जवाब दिता जी गुरु मैं तो कोई गुरु धारण नहीं किया। उस वक्त तो सन्यासी साधु ने भोजन छड़ दिता, कहेगा तेरे हथों मैं किन्ने दिन भोजन खाता रहा, अमरदास तू निगुरे निगुरे के हथों तो पानी पीना भी जप तप संजम भंग हो जाता, मैं तेरे हथों भोजन छकता रहा, सब कोई थाली भोजन प्रशादा छड के सन्यासी चला गया। साध संगत उस ठोकर ने हुण मन नूं इधरले पासे मोड़ दिता। एक बेनती होर समझ, ये गल सच है, जिन्नी देर कोई कमाई वाला बंदा किसी नूं बचन ना कवे उन्नी देर वह दूजे का जीवन नहीं पलट सकता। बाहरी तौर पर ज्ञान का होना बहुत चंगी गल है, असी भी ज्ञान दीयां गल्लां सुना देंगे, होर बंदा भी तुहानूं कोई समझ अकल की गल दस सकदा है, पर माफ़ करियो जिस बंदे का खुद का जीवन वो किसी दूजे का जीवन बदल दिंदा है उहदी कही हुई गल दूजे के जीवन के अंदर उथल पुथल पैदा कर दी। उंज बाहरी तौर पर जो मर्जी कितों सीखी जाओ जदों वक्त आउंदा अकाल पुरख वाहिगुरु की नज़र होवे सामने कोई बंदा कमाई वाला मिल जाए, किसी जपण वाले चंगे जीवन वाले बंदे का बचन हो जाए तो साध संगत जीवन पलट जाता। अज जदों वह सन्यासी जिदी कमाई होएगी उस सन्यासी ने इन्नी गल कही बाबे अमरदास के अंदर उथल पुथल शुरू हो गई।
चिंता दे अंदर मन डुब्या मना कालिया तो धौले आ गए, 60 वरिया की उम्र है, बजुर्ग हो चले, मैनू मीणा मारिया, तू गुरु वाला नी निगुरै, निगुरे दे हथों तो भोजन छकना भी जप तप संजम भंग हो जाता है। सात संगत गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी ने भी बचन कहा, निगुरे बंदे का तो ना ही लेना माड़ा। इतों तक साहब ने कहा, निगुरे का है नाओ बुरा। जदों बाबा अमरदास साहब के अंदर उथल पुथल शुरू हुई, सात संगत इस उदासी विच जुड़िया मन घर चले गए, सारी रात चिंता विच लंघ गई। अमृत वेले फिर वो घटना घटी, धन बाबा अमरदास साहब के जीवन में अलाहाबाद जिन्हों त्रिवेणी संगम कहें, जिथे हर साल बाबा अमरदास गंगा ते जाते सन, साधुओं की 1.5-1.5 महीना रह के सेवा करनी, परिवार वालों जप तप संजम पूजा पाठ पुन दान कराने, सारे नगर तो जो पूजा का धान लैके जाना वो अपने भला बरादरी वालों जाके बाबा अमरदास साहब गंगा के कंढे सात संगत पुन दान जो कुछ भी कराते सन सारे परिवार वालों कराते सन। ये जिम्मेवारी बाबा अमरदास साहब की सी। अज जदों तीर्थ तो संघ तो वापस परते 1.5 महीने बाद वापस पिंड आए, शरीका घर परिवार वाले अदब सत्कार किया, पर बाबा अमरदास अज बड़े उदास सन, मन के अंदर बड़ी उदासी है, रात चिंता विच लंघ गई, सारी रात कोई सोचते रहे अकाल पुरख रब नूं शायद अंदरों कोई अरदास निकली दाता, जे वाकई गुरु वाला होना जरूरी है मैनू फिर कोई गुरु मिलाओ जिहड़ा मेरा जीवन सफल कर दे। रात और इस तरह चिंता विच गुजरी, इतिहासकार लिखते अमृत वेला होया, सारी रात नींद ना आउण करके सिर भारा पै गया, उठ के घर तो बाहर निकले, खुले वेड़े विच टहलदिआं दरवाजे तो निकल लगे सन, इन्ने नूं सके भरा दे घरों अमृत वेले आवाज़ कन्नां विच पई, ये धन गुरु अंगद देव महाराज की सपुत्री बीबी अमरो जो श्री गुरु अमरदास महाराज के सके भरा दे पुत्र भाई जस्सू नाल विआही होई सी। अज जदों अमृत वेले बीबी अमरो ने रेड़का पाया, भाव दही विच मधाणी पा के रिड़कण लगे, उस वक्त गुरु की बाणी का शब्द शुरू कर दिता। वह बाणी का शब्द धन बाबा अमरदास साहब के कन्नां विच पिया, एकदम उत्थे खलो गए, विचों विचों अखरां दे अर्थ समझ आ रहे सी, पर वो बाणी मन नूं बड़ी मिठी लग रही सी। सात संगत दुनियावी तौर पर किसी गीत ते बाणी का बहुत वड्डा अंतर है। साहब ने बाणी अंदर बचन कहा, लोग जाने ये गीत है ये तो ब्रह्म विचार, दुनियावी गाया हुआ कोई गीत कोई कविता 2-4 दिन किसी नूं चंगी लग सकती है, पर गुरु की बाणी सदा ही मिठी लगती। साची बाणी मिठी अमृत धार, जिन पीती तिस मोख द्वार, ते अगली गल बाहरी ज्ञान जिन्नी देर गल समझ ना पाए उन्नी देर उस ज्ञान उस कविता उस गीत का असर नहीं हुंदा, पर गुरु ग्रंथ साहब की बाणी इन्नी अहमियत रखती है, तुहानू अर्थ ना भी आउंदे होण पूरे शब्द विच्चों 1-2 अक्खर भी समझ आउण तां वी उह पूरे शब्द का रस बंदे नूं सुणन वाले नूं आउण लग पैंदा। बाणी सुनने नाल ही दुख रोग संताप उतरदे ने, ताइयों श्री गुरु अमरदास महाराज ने बचन कहे ने, भावें पहली बार सुनिया हुआ शब्द सात संगत अर्थ पूरे समझ नहीं आए, पर सुनने नाल अंदर दा चिंता दा भरिया मन चिंता रहित होण लग पिया। वो बाणी सुन के मन नूं सुकून मिलण लग पिया, बाणी सुन के इंज लगा जिवें चिंता दी पंड सिर तों उतर गई होवे। ताइयों साहब ने फिर कहा, दुख रोग संताप उतरे, उत्थे बचन कह सुनी सच्ची बाणी, बाणी सुनने नाल दुख रोग संताप उतरदे ने, अर्थ होने चंगी गल है पर बाणी सुनन दा भी तुहानू लाभ हुंदा है। जदों बाबा अमरदास साहब ने सुनिया कन्नां विच आवाज़ पई, बीबी अमरो शब्द पढ़ रहे सन, मारू महला पहला करनी कागद मन मसवाणी, बुरा भला दोए लेख पै, ज्यों ज्यों किरत चलाए त्यों चली है, तौ गुण नाहीं अंत हरे। अगे शब्द आया, मन चित सकी नहीं भाव रहा, हर विसरत तेरे गुण गलिया। आ शब्द सीधे समझ आ रहे सन कि हर चित सकी नहीं भाव रहा, हर विसरत तेरे गुण गलिया। जदों आ पंक्ति आई कि भया मनूर कंचन फिर होवे, जे गुर मिले तनेहा, एक नाम अमृत तो देवे तो नानक त्रिष्ट देहा। पूरे शब्द की समाप्ति हुई, आवाज़ बंद हुई, तो बाबा अमरदास सीधे उस बरांडे वल चले गए।
जिथे एक खुले दलहान बरांडे विच बह के बीबी अमरोत दही रिड़क रहे सन। हाथ जोड़ के अदब नाल कहा, बेटा ये तू की गा रही सी? ते अगों उठ के मधानी छड़ के नमस्कार की बीबी अमरोत ने, ते हाथ जोड़ कहा, पिता जी ये धन गुरु नानक साहब महाराज की बाणी है। आख्या, बेटा ये शब्द के अर्थ? ते बीबी अमरोत ने कहा, गुरु नानक साहब महाराज का शब्द है, मैं पिता गुरु अंगद साहब महाराज को सुने। तो इस शब्द के अंदर गुरु नानक साहब महाराज ने कहा, बंदे का मन एक लोहे की न्याई है और शरीर भट्ठी की न्याई, ये पिया हुआ मन चिंता के अंदर सड़ रहा है, ये उत्ते पे हुए पापा के कोले इस अग नूं बुझण नहीं दिंदे। सारी उम्र बंदे का मन शरीर की चिंता की भट्ठी में सड़दा रहिंदा। साध संगत जदों ये शब्द सुनिया तो मन के अंदर विचारां खड़ियां हो गई। बीबी अमरों ने वह शब्द फिर दोहरा के कहा कि काया आरण मन विच लोहा, मन जलिया सन्नी चिंत भई, कोयले भाप पड़े तिस उपर, मन जलिया सन्नी चिंत पई। साध संगत ये हुण बेनती समझो, सीधे पंजाबी दे शब्द ने जिन्हां दे नाल आपां नूं जुड़ना बहुत जरूरी है। पंजाबी घरां दे अंदर सीखनी, बच्चियां नूं बुलाउणी, समझाउणी अत्यंत जरूरी है। असी हुण जिन्ने पंजाबी परिवार घरां दे अंदर, तकरीबन लोग 90-95% बच्चियां नूं हिंदी बोलना सिखाउण लग पए, टीचर स्कूलों में सिखाउण लग पए। जे आपां पंजाबी शब्दों तो दूर हो गए तो साध संगत गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी समझनी औखी होएगी। ये ठीक है, भाषावां सारियां सत्कारयोग ने, पर जिहड़ी भाषा विच गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी है वह भाषा तुहानूं सीखनी भी पएगी, बच्चों नूं सिखाउणी भी पएगी, वह अगे बच्चों वास्ते जरूरी है। साध संगत सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी ने बीबी अमरों कोलों शब्द सुने, जदों आ सीधे अर्थ सुने कि काया आरण मन विच लोहा, पंच अगन तित लाग रही, कोयले पाप पड़े तिस उपर, मन जलिया सन्नी चिंत पई। ये अर्थ हुण जिन्नी देर सन्नी का पता नहीं उन्नी देर साध संगत अर्थ किवें समझ आउणगे। अजकल बच्चों नूं शायद पलास का तो पता होवे पर सन्नी का पता नहीं। तुहाडे च हुण वड्डी उम्र दे बैठे ने, सन्नी वो बहुत लोहे की बनी हुई पलास वांग लंबी, तो उन्हूं हाथ नाल पकड़ के जिहड़े लोग भट्ठी के अंदर आ लोहा गर्म करके रंबे चंडदे ने जां रंबे बनाउंदे ने, कईआं बनाउंदे ने, वह उस भट्ठी के अंदर अग दे विच कोलियां सुटदे ने, फिर वह जिहड़ा पासा रह जाए उन्हूं सन्नी नाल पकड़ के इस तरह पलट लैंदे ने। इहदे अर्थ पातशाह ने बाणी अंदर बड़ी बख्शिश की। साध संगत शरीर एक भट्ठी की न्याई है, ये मन जड़ा वो एक लोहे की न्याई पे, वो मन उस भट्ठी के अंदर दिन रात सड़द, मन जलिया सन्नी चिंत पई, कोयले भाप पड़े तिस उपर। जदों कदे मन संसारी तौर पर सुखी होन लगता, पिछले किते हुए कर्म बंदे दे पाप वो कोलियां की न्याई उपर डिगदे ने। ते साध संगत जिहड़ा पासा किते मन का बदल जाए, बच जाए सड़न तो, सन्नी चिंत का अर्थ चिंता रूपी सन्नी, वो चिंता पकड़ के मन नूं फिर उधरला पासा घुमा दिंदी है। जे कोई थोड़ा बहुता समा बच भी जाए दुखां तो, चिंता घुमा के फिर उन्हूं सड़न लग पैंदी। तुसीं वेखोगे जिहड़े कोयले ने वह सड़न तो बाद भी सड़दे ने, सो कोयले सड़े हुए ने लकड़ दे, उन्हूं पा दिओ अग विचों फिर सड़न लग पैंदे ने, फिर लाल हो लैंदे ने। पाप जिंदगी विच इस तरह है, जिहड़े पाप पहलां किते ओह दूजे पापां नूं जन्म दिंदे ने, कीता होया पाप बंदे नूं आउण वाले समें विच दुखी करदा रहिंदा है। जिहड़ा पाप आपां पहलां कीता है वह होर पाप करन वास्ते मन नूं अगे प्रेरदा रहिंदा है। कोयले पाप पड़े ते सुपर, पापां नूं कोयला इस वास्ते कहा, किते हुए पाप बंदे नूं बार बार जिंदगी विच दुखी करदे ने, इदां सड़े हुए कोले उन्हूं भट्ठी विच पा दिओ दुबारा फिर सड़न लग पैंदे ने। हुण पापां तों किवें बचिया जाए? साहब ने फिर बाणी अंदर बचन कहे, अगली पंक्ति बीबी वीरों ने सौखे जे अर्थ सुनाए, कहिंदे पिता जी गुरु नानक साहब महाराज कहिंदे ने कि भया मनूर कंचन फिर होवे, जे कोई लोहे का टुकड़ा इस तरह अत का सड़िया होवे, किसे काम ना होवे, कुहाड़ विच होवे, पर जे किते पारस नाल जुड़ जाए ना, वह लोहा फिर सोना हो सकता है। वह लोहा जिहड़ा सड़िया होया वो पारस नाल जुड़ जाए दुबारा फिर सोना हो सकता है।
उस लोहे की फिर कीमत पै सकती है। पापा में सड़िया हुआ मन किते गुरु के शब्द रूपी पारस नाल जुड़ जाए, ये मन फिर सोहना हो सकता है, ये मन फिर मन तो जोत सरूप हो सकता है। जदों सीधे अर्थ मन में समझ पाए कि भया मनूर कंचन फिर होवे, जे गुर मिले तनेहा, एक नाम अमृत तो देवे तो नानक त्रिष्टस देहा, फिर मन अंदर अंदरों आस जागी। ओ मना पछतावा ना कर, तू सठा साल हो गया, पछतावा ना कर, तेरी उम्र बुढ़ेपे तक इंज ही लंघ गई। जे एक सड़िया हुआ लोहा पारस नाल जुड़ के द्वारा मनूर तो कंचन हो सकता है, इन्नी उम्र विच लंघिया फुरनिया पापा सड़िया मन गुरु के शब्द नाल जुड़ के फिर गुरु का रूप हो सकता है। आस अंदर जाग पई, हाथ जोड़ के, हा बेटा उस गुरु के दर्शन हो सकते ने। इत्थे हुण कईआं नूं अंदर सवाल पैदा हुंदा है कि जी अमृत वेले रेड़का पाया बीबी अमरों ने, तो शब्द पढ़ रहे ने मारू राग दा, हालांकि उदों तक मर्यादा सी। करतारपुर साहब गुरु नानक साहब महाराज ने मर्यादा कायम की कि अमृत वेले सिख जपजी साहब पढ़े, सोदर आरती गावी है अमृत वेले जापो चारा, फिर अमृत वेले जपजी साहब पढ़न का हुक्म है। मारू राग का शब्द बीबी अमरों क्यों पढ़ रहे सन? एक बाणी हुण तुसीं कई बार पढ़ते हो गुटकियां दे अंदर, उहदा सरलेख गुरमुखां ने दिता होया जी, शब्द हजारे। शब्द हजारे कोई गुरु ग्रंथ साहब की बाणी के अंदर बाणी नहीं है सरलेख। शब्द जरूर गुरु ग्रंथ साहब के ने, पर शब्द हजारे कोई सरलेख गुरु साहब की बाणी नहीं। वो शब्द हजारे वक्रे वक्री जगह तो शब्द इकट्ठे किए ने, प्रेम वाले तो बेनती वाले। वो गुटके वे छापण का भाव है, कोई प्रेम वाले गुरमुख जिन्हां नूं बाणी याद हुंदी सी, जिहड़ा शब्द याद होना वो कम कर करदे आ, इशनान करदे आ, तुरदे आ, फिरदे आ, शब्द पढ़ी जाण, नाले ते उह शब्द याद हुंदा रहना, नाले गुरु दे शब्द दी बाणी जिहड़ी है साध संगत वह एक तरह का शब्द अभ्यास है। जे तुसीं बाणी का शब्द भी पढ़ो तो समझो सिमरन कर रहे हो। जदों गुरमुख प्यारे ने जिहड़ा शब्द याद होना वह नाल जपजी साहब तो बाद वह पढ़ लेना, जिहड़ा दूजा शब्द कोई याद फिर वह शुरू कर लिया। जिहड़े शब्द याद सन, जिन्हें बाणी के शब्द याद, उन्ने सवेरे जपजी साहब तो बाद शब्दों का पाठ करना। प्यार वालिया ने वह शब्द कट्ठे करके गुटके दे अंदर एक सरलेख रखिया, शब्द हजारे। शब्द हजारे गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का कोई सरलेख नहीं है। शब्द हजारे का अर्थ प्रेम वालिया नूं जिन्ने शब्द याद सन, साध संगत तो दा अमृत वेले जाप करते सन। इदां बीबी वीरो बीबी अमरो जिन्हां नूं यह शब्द याद सी मारू राग का गुरु नानक साहब महाराज का, वह जपजी साहब तो बाद जदों दुध रिड़कण बैठे कम शुरू किया तो उदों साध संगत रसोई का कम करदे उन्हें शब्द पढ़न लग पे। इहदा भाव यह है, ये नहीं कि सवेरे अमृत वेले जी जपजी साहब का वक्त सी मारू का शब्द क्यों पढ़ लिया। जिन्हें शब्द याद होण वह कम कर करदे तुरदे फिरदे तुहानूं पढ़ते रहना चाहिए। कोई भी शब्द याद होवे, अनेकां गुरसिख ने जिहड़े तुरदे फिरदे जिन्हों चौपई साहब याद हो चौपई साहब करते हैं, जिन्हां नूं शब्द याद है ताती वाह ना लगे पार बम सरणाई चौगिरद हमारे राम कर दुख लगे ना भाई, वह शब्द का पाठ करते हैं। इसलिए साध संगत जिनी बाणी याद होवे वह नाल पढ़नी चाहिए। जदों बीबी अमरो जी ने यह शब्द पढ़िया, हथ जोड़ बाबा अमरदास कहिंदे, बेटा जिस गुरु की बाणी है मैनू दर्शन करवाओ। तो अगों अदब नाल कहा जी, वह तो धन गुरु नानक साहब महाराज सचखंड भयाना कर गए ने। बेटा फिर हुण कह लगे उन्होंने जगह उत्ते मेरे पिता जी सेवा करते हैं धन गुरु अंगद देव महाराज। बेटा फिर लै चलो बाबे अमरदास नूं, उन्हां दे भरा दी नौ बीबी अमरो लै। जदों खडूर साहब पहुँचे साध संगत जिहड़ी लैन संगत दी गुरु अंगद देव महाराज दे दर्शनां वास्ते सी, उसी लैन दे अंदर बंदियां विच लाइन विच बाबा अमरदास खलो गए। 10-15 बंदे अजे मत्था टेकण वाले खलोते सन। तखत ते बैठिया श्री गुरु अंगद देव महाराज की नज़र पई, नज़र पई ते वेख्या ते साडे कुड़म हन। श्री गुरु अंगद देव महाराज ने संगत रोक दिती, तखत तो उठ के पातशाह उतर के अदब सत्कार नाल लगे गए, हाथ जोड़ के कहा जी तुसी ते साडे कुड़म हो बाबा अमरदास, ये संगत दे दर्शन करन वास्ते सिखां दी लैन है, कुड़म लाइनां विच लग के कुड़मां नूं मिल नहीं आउंदे, तुहाडी साडी रिश्तेदारी है, तुसीं कुड़म हो ते तुसीं सीधे आओ आ के दर्शन दे। साध संगत एक बेनती समझो,
ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਧੇ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਵਰ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਵਡਿਆਈ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਫੀਸਰ ਬਣ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਾਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ, ਕੁੜਮ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੁੜਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ। ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਕੁੜਮ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਦਣ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੁੜਮਾ ਚਾਰੀ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉੱਦਣ ਗੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁੜਮ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਹੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ ਮੈਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਾਂ, ਰਸਤਾ ਦੂਜਾ ਬਦਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਾਂ। ਨਹੀਂ, ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਜੇ ਸਰੀਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਇਓ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰੋਗ ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਢਿੱਲਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਓ, ਪਰ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਨਵੀਂ ਜਾਵੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਸਿੱਖਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਪਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ ਫਿਰ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੱਜਣ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬਿਰਧ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਗਏ ਹੋ, ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕਹਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਰਸਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਜਣਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਜਾਏ ਇੱਥੇ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਲਈ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਧਰਮ ਰਾਹੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਪਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ, ਜਿੱਦਣ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਉੱਦਣ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੈਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਵਾਕੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਦਸਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਥਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ, 12 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 74 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਖਸ਼ਿਆ। 12 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਸਰੀਰ ਬਿਰਧ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਰੀਰ ਬੁੱਢਾ ਦਰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਪਏ, ਲਓ ਜੀ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ, ਬੁੱਢੇ ਵੇਲੇ ਚਿੱਟਾ ਸ਼ਮਸ਼ਦਾੜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤ ਨੋਹਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਤਾਂਹੀਓ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠਾ, ਤਾਂਹੀਓ ਤਾਂ ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟੋਕਰੀ ਢੋਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਹਣਿਆਂ ਤਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਖ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਉੱਦਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੱਜਾ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਂ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨੇ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਲੱਜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਉੱਦਣ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲੱਜ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ, ਉੱਦਣ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਤੈ ਚੁਣ ਕੱਢੈ ਲੱਦੋ ਵਾਰੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਵਕਤ ਆਇਆ ਜਿੱਦਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਖ਼ਤ ਸਿੰਘਾਸਣ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸੀ। ਉੱਦਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੌਕਿਕ ਘਟਨਾ ਘਟੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗਾਗਰ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਪੈਰ ਫਿਸਲ ਗਿਆ, ਬੁੱਢਾ ਸਰੀਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਗਾਗਰ ਪਿੱਤਲ ਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ
खडूर साहब दर्शन करो, वो निशानियां अज भी उस तरह बनिया हुई हैं। जिहड़ी किली विच फस के डिग पै शरीर करके डिगदे सार वो पित्तल की गागड़ का खड़ाका होया ते अंदरों आवाज दे के घर वाला जुलाह बोलिया, कहिंदा बाहर खड़ाक किस चीज़ का होया। घर वाली ने उठ के वेख के कहा, जी रहन दो पै रहो, की गल? कहणगी ओही होए अमरों ने थामा, जिन्हों लोग बड़े मेहने मारदे ने माड़ी लज्जा नहीं करदा, रोटियां की खातर बुढ़े वेले कुड़मां दे घर बैठे। साध संगत कन्ना च आवाज पई, इक्को ही अंदरों प्यार नाल गुरु नूं चेते करके होंका निकले, इक्को गल कई अखां भर आईआं चलीए, हुण तां मैं थां वाला हो गए। अज तो 12 साल पहला किसी सन्यासी ने कहा सी, तूं ने गुरै तेरे हथों तो पानी भी पीना नहीं सी चाहिए, पर हुण तां 12 साल हो गए, हुण मैं थां वाला हो गया, हुण मैं गुरु वाला हो गया। कमलीए हुण क्यों नथामा कहनी है? इन्नी गल कह के गागर चुक के तुर गए। साध संगत थोड़िया घड़िया बाद दिन चढ़िया, रौला पै गया, उस जुलाए के घर वाली सचमुच कमली हो गई। अपना सिर पट्टन लग पई, वस्तां चुक के इधर उधर भन्नन लग पई, रौला पिया पिंड कट्ठा होया। किसी ने कहा, कुछ ना कुछ तेरे घर वाली नूं किसी ने कर दिता। जुलाहे ने कहा, सवेरे अमृत वेले इस तरह होया, किसी प्यार वाले ने कहा तो तेरे घर वाली सरापी गई है, जा जाके दा सराफ बख्शा। साध संगत वैसे गुरमत दे अंदर बरते सराफ नहीं, पर एक बेनती समझो, सतगुरां बचन कहा, जपन वालियां दी रसना तो कोई बचन निकल जाए वो किसी वास्ते बरते सराफ बन भी सकता। इतों तक साहब ने कहा, जो जो संत सरापया से फिरे पवन दे, पेड़ मुडाहू कटिया तिस डाल सुकंदे, जपन वालियां दा कोई बचन निकल जाए कोई बंदा सराफिया जा सकदा है। जिवें पेड़ जड़ तो कटिया जाए डालियां पत्ते सुक जांदे ने, इदां जपन वालियां दा कोई बचन हो जाए तो साध संगत हरे सुके हो सकते ने, सुके हरे भी हो सकते। खैर जदों किसी ने कहा, फिर जुलाह लोगों को कट्ठे कर अपने घरवाली नूं लै गया, धन गुरु अंगद देव महाराज नूं जाके पुकार की, महाराज इस तरह तुहाडा सेवादार और रिश्तेदार कुड़म तुहाडा बाबा अमरदास आप कुछ अमृत वेले उन्हां के धन श्री गुरु अंगद देव महाराज सब कुछ जाणदे सन। हजूर ने संगत विच बुलाया, सद के कहा, बाबा अमरदास आ जुलाहे ने घरवाली नूं की कह दिता है? अगों प्यार नाल अखां भर के, जी मैं सवेरे डिग पिया सी, इन्हां दे घर अगे पैर फिसल गया, बस इन्हें कह दिता है अमरो निथामा होने, जिन्हों लज्जा नहीं कुड़मां दे घर बुढ़े वेले दो प्रशादियां ले बैठे। इक्को ही मेरे मन विचों निकलिया, पातशाह हुण मैं निथामा नहीं, 12 साल पहला किसी सन्यासी ने कहा सी निथामा ते निगुरा है, महाराज हुण ते सेवा करदिआं मर चले, महाराज इन्नी उम्र हो गई, पातशाह हुण मैं निथामा नहीं, हुण ते तुसीं मैनूं थां दे दित्ती है। धन श्री गुरु अंगद देव महाराज ने बचन कहे, बाबा अमरदास अज तो बाद संजीदगी नाल बोलिया करो, तुहाडी रसना ते गुरु नानक बैठ गए ने, तुहाडी रसना दा बोल तुहाडा नहीं, वह गुरु नानक दे घर दा बोल है, अज तो बाद संजीदगी नाल बोलिया करो, तुहाडी रसना ते रब आके बह गया। जिन्हों साध संगत तुसी सुखमणी साहब अंदर पढ़ोगे कि प्रभ जी वसै साध की रसना, सचमुच रब जपन वालियां दी रसना ते बह जांदा है। कबीर मेरी सिमरनी रसना उपर राम, पातशाह ने कहा तुहाडी रसना ते रब बह गया। साध संगत उस दिन हजूर सच्चे पातशाह गुरु अंगद देव महाराज ने कहा, बाबा अमरदास दा इशनान कराओ, अपना चोला दे के कहा आ चोला पहन के आओ, अपनी जगह तख्त सिंघासन ते बिठाया। और धन गुरु अंगद साहब महाराज ने कहा, बाबा अमरदास असी 12 सालों तो उड़ीक रहे सी, किदन अमरदास डिगे, इनू चुक के गुरु नानक दे सिंघासन ते बिठा दीए। डिगे दा अर्थ यह सी, साध संगत इन्नी सेवा इन्नी घालना इन्ना जप तप फिर भी इन्नी निर्माणता होवे, महाराज मैं तो कुछ नहीं किया, मैं तो डिग गया सी। जदों इन्नी निम्रता आ जाए उदों गुरु फिर सिख नूं अपना रूप बना दिंदा है। तख सिंघासन ते पातशाह ने बिठाया, जिन्हों कदे दुनिया कहिंदी सी बाबा अमरदास बुढ़े वेले कुड़मां दे घर प्रशादियां ले बैठा है, बाबे अमरदास नूं लज्जा नहीं, कुड़मां दे घर भी कोई इस तरह गागरां ढोंदा है, कुड़मां दे घर भी कोई झाड़ू फेरदा है, जिन्हां नूं लोग तन्ने मीणे मारदे सन,
जिदन तख्त सिंघासन ते रब दा रूप होए उदन भट्ट साहिबाना कहा आप नारायण कलाधार जग में परवरियो निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। उदन फिर भट्ट साहिबाना कहा कन हर बूंद वसोर मावल कुसुम बसंत गनंत ना आवे रब सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे। दुनिया दे लोको सागर विच पैदा होण वालियां लहरां दा कोई गिणती कर सकदा है? आसमान विचों वरदे मींह दियां किणियां दी गिणती हो सकती है? सूरज ते चंद्रमे दियां रिश्मां ते किरणां दी गिणती कीती जा सकती है? पर श्री गुरु अमरदास महाराज दी वड्याई गुरु अमरदास महाराज दे गुण नहीं गिणे जा सकदे। धन गुरु अमरदास महाराज कोई चंद्रमे दियां रिश्मां तां गिण सकदा है, कोई समुंदर दियां लहरां गिण सकदा है, कोई बसंत दे फुल्लां दी गिणती कर सकदा है, पातशाह कोई आसमान विच्चों पैंदे हुए मींह दियां किणियां भी गिण सकदा है, पर गुरु अमरदास तेरे गुण नहीं गिणे जा सकते। भट्ट साहिबाना फिर बचन कहे कहिंदे रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कवजन पालो नै जो गावे पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तो ही बने आवे। जदों गुरु अमरदास महाराज तख्त सिंघासन ते बैठे उदों कुल दुनिया फिर वड्याई करके गाण लग पई पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तो ही बन आवे। गुरु अंगद देव महाराज ने साध संगत उस दिन फिर इन्ने बर बख्शिश करके तख्त ते बिठाया कहिंदे लोग तैनू कहिंदे सन बाबा अमरदास इहनू कोई आसरा नहीं होना ताइयों ते कुड़मां दा आसरा लैके बैठे इहनू घर विच पुत नौहां थां नहीं दिंदे होणे ताइयों ते कुड़मां दे घर थां मल के बैठे इहनू किसे ने माण नहीं दिता पिंड ताइयों ते इत्थे गागर ढौंदा है। जा बाबा अमरदास अज गुरु नानक दे घरों तैनू इन्नियां बख्शिशां मिलियां ने बाबा अमरदास तू गुरु नानक दा रूप होया अज तो बाद दुनिया कहेगी गुरु अमरदास निमाणियां दा माण नितानियां दा तान गुरु अमरदास जेदी कोई थां नहीं निथामियां दी थां गुरु अमरदास निआसरियां दा आसरा गुरु अमरदास निगत्तियां दी गत गुरु अमरदास निपत्तियां दी पत गुरु अमरदास इन्नियां वड्याईयां धन श्री गुरु अमरदास महाराज नूं। एक बार सात संगत सारी संगत प्यार नाल कहो पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तो ही बन आवे पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी तेरी उपमा तो ही बन आवे 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 तेरी उपमा तो ही बन तेरी उपमा तो ही बन वाह पल्ले अमरदास गुण तेरे पल्ले अमरदास गुण तेरे पल्ले अमरदास तेरी उपमा तो ही बन आवे तेरी उपमा तो ही बन आवे तेरी उपमा तो ही बन तेरी उपमा तो ही बन आवे तेरी उपमा तो ही बन आवे तेरी उपमा तो ही बन सास संगत। फिर श्री गुरु अमरदास महाराज गोविंदवाल गोविंदपुरी सम जलन तीर विपास बनायो
महाराज ने गोइंदवाल साहब जिहड़ी खत्री गोइंदे खत्री की जगह से उत्थे नगर वसाया श्री गोइंदवाल साहब। उत्थे 84 पौड़ियां की बौली लाई साध संगत। उस जगह उत्ते धन श्री गुरु अमरदास महाराज तकरीबन 20 वरे गुरता गद्दी उत्ते विराजमान रहे और साध संगत जिहदा कोई माण नहीं सी उहदा माण गुरु अमरदास महाराज बने, जिहदा कोई थां नहीं सी उहदी थां गुरु अमरदास बने, जिहनूं दुनिया में साध संगत कोई आसरा नहीं सी उहदा आसरा श्री गुरु अमरदास महाराज बने। इतिहास सुनियो, उत्थे साध संगत लिखिया होया इतिहासकारां जिक्र कीता, एक माई दा जवान पुत्र गुजर गया, अमृत वेले तहां मार रही सी, सतगुरां दे कन्नां आवाज पई, सेवक नूं सद के कहा इन्नी सवक्त रब दा नाम जपण दा वक्त है, ये कीरने पा के कौन रो रहे। उन्हें आके खबर दित्ती महाराज माई दा इक इक इकलौता पुत्र सी, जवान पुत गुजर गया उहदा कोई सहारा आसरा नहीं रहा, महाराज इसलिए वह तहां मार मार के कीरने पाउंदी। श्री गुरु अमरदास महाराज साध संगत कैसे दया दे पुंज ने, दया निध दया दे खजाने गुरु अमरदास पातशाह दे अंदर इन्नी दया आई, हजूर ने बचन कहे जिन्नी देर असी शरीर में जीवने साडे रेंद्या रेंद्या किसे माई का जवान पुत नहीं गुजरेगा। रब नाल सीधी गल करके कहा ऐ काल पुरख जिन्नी देर असी शरीर में शरीर में रेंदे साडे सामने किसे माई का जवान पुत ना गुजरे। साध संगत परत के गोइंदवाल साहब की धरती ते जिन्नी देर शरीर में पातशाह रहे साध संगत किसे माई का जवान पुत नहीं गुजरिया। जिन्हों पुछया पातशाह ने किस तरह गुजर गया, महाराज उन्हों तेईया ताप नहीं सी हटदा, भावें का इतिहास लवेरा साध संगत अज भी गोइंदवाल साहब जायो जिहदे शरीर चों ताप खत्म ना होवे इहनूं साध संगत बाहरी तौर पर कर्मकांड ना समझियो, गुरु अमरदास महाराज ते भरोसा विश्वास रख के जावे, अज भी गोइंदवाल साहब जाण वालियां दा तेईया ताप उस वक्त हट जांदा। जिन्हां दे शरीर च सैल घटदे बुखार नहीं टुटदे गुरु अमरदास महाराज का आसरा लवे। साध संगत पातशाह ने बाणी अंदर बचन कह होना सवैया तुसीं सुणियो, ये आपां मंगलाचरण विच पढ़िया, उत्थे कल्ला मत्था टेकना नहीं, उस धरती ते जाके भावना ते विश्वास नाल धन गुरु अमरदास साहब महाराज का सिमरन करी। साहब ने लिख के दिता है गुरु अमरदास परसी है पोहम पातक बिनस है, गुरु अमरदास परसी है सिद्ध साधक आसस है। भाई गुरु अमरदास महाराज का सिमरन करी, उन्हों परस के आई भावना नाल उस दर ते जाण वालिया तेरे वड्डे तो वड्डे पातक भयानक दुख विकार खत्म हो जाएंगे। पोहम पातक बनस है गुरु अमरदास परसी है सिद्ध साधक आसस है, तेरे घर में नौ निदा 18 सिद्धा आ जाएगियाँ। गुरु अमरदास परसी है ध्यान लई है पौ मुके, गुरु अमरदास परसी है पौ लभै गो चुके। साध संगत अज भी उत्थे जाण वालियां दा तेईया हट जांदा है, अज भी उत्थे गुरु अमरदास साहब की बख्शिश वरतदी है। तुसीं धन गुरु अमरदास साहब महाराज नूं याद करो, जिहदा कोई आसरा सहारा नहीं उहदा सहारा गुरु अमरदास साहब बणदे ने। इतिहास कहिंदा है गुरु के चरणों में संगत के जथे नाल इक कोड़ी आ गया गोइंदवाल साहब। जदों वह प्रेमा कोड़ी संगत नाल आया, इच्छा उहदी इक्को ही सी कि शरीर का कोड़ ते हटना कोई नहीं, मन दे अंदर सी दो वक्त रोटी भोजन मिलता रहे, जिन्नी देर जीवन कोई प्रशादा दिंदा रहे। तो उन्हें संगत नूं पुछ लिया भाई कित्थे चले हो, तुसीं मेरे नाल फर्क नहीं किया दो वक्त प्रशादा दिता। तो साध संगत वह पैरोवाल दी धर्मशाल चों संगत ने कहा असीं गोइंदवाल साहब चले, उन्हें कहा मैनू भी लै जाओ उत्थे प्रशादा मिलता है। तो एक सिख ने कहा कोड़िया प्रशादा उत्थे ते गुरु दे दिग्गे चढ़े ने, उत्थे ते लंगर वे देसी घ्यो की खीर वरतदी है, उस घर के अंदर तो तीन तीन वक्त प्रशादा मिलता है। वह कोड़ी ने कहा मैनू भी लै चलो। संगत नाल गोइंदवाल साहब आ गया, रस्ते में संगत की संगत में शब्द जपता रहा, गुरु दियां विचारां सुनता रहा, मन दे अंदर एक सिख दी विचार दा असर होया मना जिस गुरु कोल चलना उत्थे जाके सब इशामां पूरियां हुंदियां ने। सच्चा नाम मेरा आधारों, सच नाम आधार मेरा,
जिन भुखां सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया। जदों सुनिया ना इच्छा सब पूरिया होनिया, कोड़ी ने मन च इच्छा रखी फिर मेरा कोड़ हट सकता है? उन्हें उस सेवादार नूं कहा मेरा भी कोड़ हट जाएगा? उन्हें कहा कोड़ियाँ भावना नाल जाई गुरु अमरदास साहब तेरा कोड़ भी हटा देणगे। अज जदों आया पहला आउंदिया पंगत विच, क्योंकि संगत ते पंगत दा साह संगत पहले पंगत पाछे संगत वाला सिद्धांत गुरु अमरदास महाराज साहब ने शुरू किया। पहला संगत आई लंगर छकिया, जदों गुरु के दर्शनों नूं चलिया दरवाजे च खलोते सेवादार ने रोक दिता, ओ भाई तेरे शरीर तो बदबू आती है, तू किधर चलना है? गुरु के दर्शन करने ने। आख्या दर्शन ही करने ने ना, सारी संगत में जाके बदबू ना फैला, इत्थे बाहर दरवाजे में बह जा, इधरों गुरु अमरदास महाराज आएंगे तेनू दर्शन हो जाएंगे। वो प्रेमा कोड़ी बाहर दरवाजे पर बैठ गया। सिख इतिहासकार लिखते ने अज गुरु अमरदास साहब ने कौतक रचिया, उस रस्ते गुरु अमरदास आए नहीं पातशाह दीवान विच, पिछलों रस्ते आए तखत ते बह के दर्शन दे के कीर्तन तो बाद पिछले रस्ते चले गए। संगत उठ के प्रसाद वास्ते गई तो कोड़ी सेवादार नूं पुछदा मैनू दर्शन नहीं होए? उन्हें कहा कोड़िया तेरे भाग माड़े ने, अज गुरु पिछले पासे आए तो गुरु अमरदास महाराज उधर चले गए, कोई गल नहीं कल दीवान फिर लगना, तू कल सवेरे फिर आ जाई। वो कोड़ी तीन दिन आके दरवाजे च बैंदा रहा। तिने दिन गुरु अमरदास महाराज की मौज, पातशाह होर रस्त्यों संगत विच आए दर्शन दे के सेवा कराउन उठ के चले जाते, तीन दिन दर्शन ना होए। अज कोड़ी नूं सेवादार ने मीणा मारे, ओ तेरे इन्ने भाग माड़े ने, पता नहीं किन्ने क पाप किए ने कोड़िया, गुरु के दर उत्ते आके भी तेनों गुरु के दर्शन ने। अंदरों मन फुट तुरिया, मन विराग च भरिया, रो के मन नूं कहिंदा पापिया पता नहीं तेरे किन्ने क पाप ने, ये सेवादार सच कहिंदा है तेरे पाप इन्ने ज़्यादा तेनों गुरु को आके भी गुरु के दर्शन ने। जदों अंदरों मन विराग च भरिया ना, सात संगत गुरु नूं चेते करके मन च विराग आ जाए, ये सच है अंदर दे करोड़ों पापां दी मैल धोण तो हो जाती है, उस वक्त मैल उतर लग पैंदी। जे कोई अंदरों याद करके विराग विच हंझू आ जाए, सात संगत अखां दे दो हंझू करोड़ों पापां नूं धो दिंदे ने। अज कोड़ी दा मन भरिया रो पिया, अपने कर्मां नूं कोसद इहने उह मैली जी चादर जिहड़े शरीर ते लई है उहदी बुक्कल मार के उठ खलोता, मन नूं कोसदा अखां भर के रोंदा तुर पिया। मना जे गुरु दे दर उत्ते आके भी कोड़ी दा भला नहीं होना फिर इत्थे बहण दा की फायदा है? वह मना तेरे पाप ही इन्ने ने होए, तू तो गुरु दे दर ते आके भी तेरा भला नहीं होया। उठ के मिठा जिहा मीणा मार के तुर पिया, सुनिया सी गुरु अमरदास निमाणिया दे माणने निथामिया दी थां निओटिया दी ओट, पर मैनू तो इत्थे आके भी आसरा नहीं मिलिया। जदों सात संगत उठ के तुर पिया, अजे दस क कदम गया पिछों किसी ने आवाज़ मार के कहा बेटा रुक जाओ। जैने पिछा परत के वेख्या कौन है? चिट्टा शमशदाड़ा धन धन सतगुरु गुरु अमरदास महाराज नाल गुरु दे सिख पातशाह कोल आ गए। आके को गल कई प्रेमिया, तेनू 30 साल उड़ीकते रहे, तू तिना दिनों में ही उदास हो गए? महाराज 30 साल? पातशाह ने कहा जदों का इस धरती ते तेरा जन्म होया उदों तो संबंध गुरु नानक दे घर नाल लिखिया सी, आ तां दुख तेरे भागां विच दारू बन के आया, दुख दारू सुख रोग पाया जा सुख ताम ना होई, इस दुख ने तेनू गुरु नानक दे घर तक लै आंदा, तू तिना दिनों में ही उदास हो गया? अखां भर के चरनी टह पिया, धन गुरु अमरदास महाराज ने मोढ़िया तो पकड़ के उठाया। पातशाह ने उठा के कहा प्रेमिया अज तेरा कोड़ भी हट जाएगा, तेरे कर्मां दा कोड़ भी हट जाएगा। पातशाह ने भाई गुरदास साहब नूं कहा, कहिंदे बौली साहब तो जल लिया के इशनान कराओ, नाल इहनूं गुरु नानक साहब की बाणी का जाप कराओ, हर रोज़ एको अंकार सतनाम करता पुरख मूल मंत्र पढ़ता रहा, हर रोज़ इशनान कराते रहे, अज होर कल होर थोड़े दिनों में शरीर कंचन वर्गा नरोआ निकल आया। सात संगत जिन्हों लोग घृणा करते सन कोड़ी है अज वो तंदुरुस्त जवान निकल आया। 7-8 महीने सेवा करद गुजरे, गुरु अमरदास महाराज ने संगत विच खड़िया करके कहा भाई सिखो आ प्रेमा वेखो तंदुरुस्त हो गया, यदि उम्र अजे 30 वरिया की होई है,
असी इहदा घर वसाउणा चाहुंदे आ, किसी की बच्ची व्याहुण वाली होवे ते भाई इस प्रेमे नाल रिश्ता करो। संगत में जिन्ने बैठे सन सिर नीवे कर लिया सब ने, कोड़ी नाल कौन व्याहुंदा नाले ये पता नहीं पिंड पता कितों आया। साध संगत जदों दूजी वार कहा कोई ना उठा, तीजी वार हजूर ने कहा एक गरीब सज्जन उठ के आ गया। उन्हें कहा महाराज मैं अपनी बच्ची की शादी करनी, महाराज मैं रिश्ता करने लिए तैयार हाँ, पर एक बेनती है महाराज मैं झूठ बोल के नहीं करना रिश्ता। पातशाह ने कहा झूठ बोल के नहीं करना, भाव कहना महाराज मेरी बच्ची जन्म तो थोड़ी जी घट मत वाली है। महाराज उन्हों मथो मथो कहिंदे ने, उंज भोजन प्रशादा बना लैंदी है, कपड़ा लीना घर का धो लैंदी है, पातशाह पर मत थोड़ी घट है तो उन्हों मथो कहिंदे ने, महाराज जे तुहाडी कृपा हो जाए तो मैं अपनी बच्ची दा इहदे नाल रिश्ता शादी करन लई तैयार। हजूर ने कहा जा बुला फिर अपनी बच्ची नूं। दोवें मावां धीआं गुरु अमरदास साहिब दे लंगर विच सेवा करदियां सन। उस वक्त तो गरीब सज्जन भज के गया बुला लिया, पातशाह ने सामने खिलार के कहा माई नूं वेख या तेरी बच्ची वास्ते ये लड़के का रिश्ता भाई प्रेमे का करन लगे, बेटा हुण वेख लो। तो वह मथों की मां हथ जोड़ के गल कहिंदी महाराज लोकां वास्ते होएगी मथो, लोकां वास्ते होएगी, मेरी धी नूं मत घट है, पर महाराज मावां वास्ते तो धीआं राणियां हुंदियां ने। महाराज भावें मत घट है ये घर का काम कार सब कुछ जानती है, महाराज मेरे वास्ते तो यह बड़ी सियाणी है, मेरे वास्ते तो मेरी धी राणी है। महाराज जिहदे नाल रिश्ता विआह करन लगे हो ये तो दस दिओ इहदा पिंड पता, कोई घर वार एवें थोड़ी अपनी धीए दे लड़ ला देनी। श्री गुरु अमरदास महाराज तख्त उठ खलोते, हजूर ने कोल आके कहा बेटा सही पुछे है, पुछना चाहिए। सास संगत ये जदों भी बच्चे बच्ची का रिश्ता करो पहले एक दूजे बारे पता करा लेना चाहिए, बाद विच शक नहीं करनी चाहिए, बाद विच एक दूजे वास्ते पड़तालां करवाउणियां गलत ने, पहलां पड़ताल होनी चाहिए। जदों वह माई ने कहा हजूर खुश होए, पातशाह ने कहा बेटा तू सही पुछे है, पुछना चाहिए। हजूर ने मोढ़े ते हथ रख के कहा दस वे प्रेमिया तेरा पिंड पता मां प्यो जमीन घर बार टिकाणा पुछ रहे ने, दस इन्हां नूं। वह प्रेमा सिर झुका के अखां भर के रोण लग पिया। हजूर ने कहा रो क्यों रहे, कहना महाराज जदों तो बचपन में शरीर नूं कोड़ फुटे तदों तो अपने ने घरों कढ दिता, जिन्हों किसी ने घरों कढ दिता होवे उहदा घर कद है, जिन्हों माँ प्यो ने कढ दिता होवे उहदा माँ प्यो कद है। महाराज ना मेरा पिंड ना घर ना माँ ना प्यो, सतगुरु तुहाडे तो सिवाए मेरा कोई नहीं। श्री गुरु अमरदास महाराज ने रुंदे प्रेमे नूं अपने गल नाल ला लिया, इस तरह प्यार दे के फिर एक बचन कहा बेटा इस प्रेमे बारे सुनो, हुण इहदा घर पिंड पता माँ प्यो तुहानूं चाहिए। उन्हें कहा हाँ महाराज धी लड़ लाउणी है। धन गुरु अमरदास महाराज बोले, कहिंदे जाओ फिर अज तो बाद गुरु अमरदास दा घर प्रेमे दा घर, अज तो बाद इस प्रेमे कोड़ी दी मां भी गुरु अमरदास ते प्यो भी गुरु अमरदास, दसो शादी करनी है कि नहीं करनी। सा संगत तो गरीब सज्जन चरनी टैप है, महाराज जिहदा मां प्यो गुरु होवे उहदे नाल क्यों नहीं शादी करनी, महाराज धी भी तुहाडी है। हजूर ने सा संगत दोवां दा आनंद कारज करवाया, आशीर्वाद दे के कहा बेटा अज तो बाद अज तक दुनिया तेनों घट मत वाली मत्थो कहिंदी रही है, तेनों मत घट सी लोग तेनों मत्थो कहिंदे रहे, जा मेरी धीए अज गुरु नानक दे घरों तेनों ज्ञान दा खजाना बख्शे है, अज तो बाद तेरी मत घट नहीं, अज तो बाद लोग तेरे कोलों मत लैके अपना जीवन सफल करनगे। साध संगत श्री गुरु अमरदास महाराज ने पहली प्रचारक मंजी ते पीड़ा मत्थों ते मरारी दे नाम थापिया, उन्होंने कहा जाओ भैरोवाल धर्मशाला विच दुनिया तुहानू सिफतां करेगी, लोग तुहाडे कोलों सिख के अपना जीवन सफल करनगे। मत्थों ते मरारी नू प्रचारक पीड़ा और साध संगत मंजी थापी, उस तों बाद जे तुसी इतिहास पढ़ो तो पहली प्रचारक सिख बीबी बीबी मत्थों नू पातशाह ने थापिया। इतिहास पढ़ो भैरोवाल तो उन्हां दी वंश चली, पंजवें पातशाह छेवें पातशाह अठवें पातशाह तक उन्हां दी वंश दे लोग सेवा करते रहे, दसवें पातशाह तक उन्हां दा परिवार गुरु की सिक्खी विच अमृत छक के गुरु के सिख बने।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਨਿਥਾਮਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ, ਨੇ ਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਨੇ ਧਿਰਿਆਂ ਦੀ ਧਿਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਆਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ, ਜਿਹਦਾ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਣ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੁਹਿਲਾ। ਅੱਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਸ ਸਾਡਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਮਾਣ ਨਾ ਆਣ ਦਿਓ। ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਸੁਰਤ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਮੰਗੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹੋ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਕਥਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਜਾਇਓ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ, ਭੱਲੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ।